दोस्तों यूं तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने ही कलाकार आते हैं जो अपने शानदार अभिनय से फिल्मों में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर भी होते हैं जिनके निभाए गए किरदार और उनके द्वारा निभाई गई इनकी शानदार भूमिकाएं और उनके डायलॉग्स को दर्शक कभी नहीं भूल पाते हैं और ऑडियंस के मन में कहीं ना कहीं इन फिल्मी कलाकारों के उनके निभाए गए इन किरदारों की तस्वीर एकदम साफ होती है। आज हम जिन एक्टर की बात करेंगे यह भी कुछ ऐसे ही जबरदस्त एक्टर थे जिन्होंने अपने निभाए गए किरदारों से और अपने शानदार अभिनय से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है और अपने निभाए गए किरदारों से अपने एक अलग ही अमर छाप इन्होंने फिल्मों में छोड़ी है। इस एक्टर का नाम है राजेश विवेक। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आपने राजेश विवेक को बहुत सी फिल्मों में देखा ही होगा। फिल्मों में राजेश विवेक ने अपनी एक अलग छवि बनाई थी। तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जिस तरह का किरदार या फिल्मों में निभाते नजर आए अपने आप में ये कुछ अलग ही किरदार रहे और इसी तरह के किरदार फिल्मों में राजेश विवेक साहब पे सबसे ज्यादा सेट होते थे। राजेश विवेक ने फिल्मों में ज्यादातर डाकू, बदमाश, फकीर, बाबा, साधु, मुजावर और ज्यादातर फिल्मों में तांत्रिक की भूमिका निभाई है। और अगर फकीर और तांत्रिक की भूमिका की बात हो तो फिल्मों में सबसे ज्यादा राजेश विवेक ही इस तरह के भूमिकाओं में सबसे ज्यादा नजर आए और इस तरह की भूमिकाएं शायद ही इनसे अच्छा कोई कर सकता था। आपने भी इन्हें सबसे ज्यादा फिल्मों में तांत्रिक की भूमिका में देखा होगा क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा हॉरर फिल्मों में ही काम किया। तो चलिए एक नजर डालते हैं इनकी जिंदगी पे। राजेश विवेक का पूरा नाम राजेश विवेक उपाध्याय था। उनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1949 को जौनपुर, उत्तर प्रदेश में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम था राज बहादुर उपाध्याय और इनकी मां का नाम प्रेम कुमारी उपाध्याय था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जौनपुर शहर में ही हुई और स्कूल के दिनों से ही इन्होंने अपनी एक्टिंग का जौहर दिखलाना शुरू कर दिया था। यह अक्सर स्कूल में हॉर्न वाले नाटक और कार्यक्रम का अक्सर हिस्सा बना करते और यही से उनके अंदर एक एक्टर बनने का सपने की शुरुआत हुई और यह अभिनय की तरफ आकर्षित होने लगे। यह बात गौर करने लायक है कि उनकी एजुकेशन का लेवल भी बहुत अच्छा रहा और राजेश विवेक काफी एजुकेटेड एक्टर थे। उन्होंने टीडी कॉलेज जौनपुर से एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में एमए की डिग्री हासिल की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेश विवेक साहब एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहते थे और अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते थे, इसलिए सन 1970 से 1971 के आसपास एक्टिंग सीखने के लिए यह चले गए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और यहीं पे एनएसडी में महान थिएटरिस्ट और थिएटर के महान गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब से उन्होंने ड्रामा और एक्टिंग का कड़ा प्रशिक्षण लिया और यह एनएसडी में एक्टिंग सीखते रहे। यह बात गौर करने लायक है कि मशहूर और मारूफ एक्टर राज बब्बर भी इनके साथ उनके बैच में थे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनके साथ ही ड्रामा में हिस्सा भी लिया करते थे। इनका एक्टिंग करियर का आगाज हुआ साल 1978 में फिल्म रही जुनून। 1978 में आई डायरेक्टर श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में इनके साथ शशि कपूर और शबाना आजमी फिल्म जुनून में मेन लीड में नजर आए थे। इस तरह एनएसडी के बड़े ही होनहार कलाकार जैसे नसीरुद्दीन शाह और कुलभूषण खरबंदा भी इस फिल्म में नजर आए थे। जहां एक तरफ इस फिल्म में राजेश विवेक ने फिल्मों में अपनी शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ इसी फिल्म से शशि कपूर साहब ने अपने बेटे करण कपूर को भी 1978 की फिल्म जुनून से फिल्मों में लॉन्च किया था। इस फिल्म में राजेश विवेक ने एक फकीर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के बाद दूसरी बार 1983 की फिल्म कालका में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने माइंड मैनेजर के किरदार निभाया था और साथ ही ये साल 1985 की राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा लाश जलाने वाले बाबा का रोल प्ले किया था। कौन है तू? गंगा। गंगा? गंगा किनारे शमशान होता है, आज शमशान में गंगा क्या कर रही है?
इस फिल्म के बाद 1986 की फिरोज खान की फिल्म जाबाज में भी नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने एक दरगाह के फकीर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के अभिनय के चलते उन्हें 1988 की हॉरर फिल्म वीराना में लीड नेगेटिव रोल मिला था। इस फिल्म में उन्होंने एक तांत्रिक बाबा की बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बहुत ही जबरदस्त हिट रही थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग भी थी। फिल्म के बाद राजेश विवेक साहब बहुत ही मशहूर हो गए थे। तामसे भाइयों की फिल्म वीराना के उनके तांत्रिक किरदार के चलते इन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली थी। नौजवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। फिल्म वीराना के बाद राजेश विवेक को कई हॉरर फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे थे। इसी तरह उन्होंने 1988 की जख्मी औरत और 1989 की जोशीले जैसी फिल्मों में काम किया। 1989 की फिल्म जोशीले में यह डाकू जोगी ठाकुर के नेगेटिव और मेन लीड विलन की भूमिका में नजर आए थे। उसके बाद 1989 की हॉरर फिल्म खूनी मुर्दा में एक तांत्रिक की भूमिका में थे। साल 1989 की मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव में राजेश विवेक अमरीश पुरी के छोटे भाई राघव के किरदार में नजर आए थे। 1990 की हातिमताई फिल्म में यह एक ताजर की शापित आत्मा के किरदार में थे। इसी तरह राजेश विवेक ने 1990 की हॉरर फिल्म कफन, तेरी तलाश में, खता, हत्यारिन, विश्वकन्या, जयकाली, विश्वात्मा, पारसमणि, शैतानी बदला, माया मेम साहब, बैंडिट क्वीन, परदेसी बाबू, चुड़ैल नंबर वन, कच्चे धागे और भूतराज जैसी कई हॉरर फिल्में और बी ग्रेड फिल्मों में एक्टिंग की और साथ साथ इन्होंने कई बड़े बजट की फिल्मों में भी एक्टिंग की। सन 2001 में उन्होंने आमिर खान की फिल्म लगान, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया जैसे आइकॉनिक फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की थी। फिल्म लगान में ये गुरान नाम के एक सीधे साधे गांव वाले के किरदार में थे। एक ऐसा गांव वाला जो गोरे चमड़े वाले अंग्रेजी सिपाहियों से बेहद नफरत करता है और फिर यह गांव वाला अपने भोलेपन और अंग्रेजों के होने वाले अत्याचार के चलते अपनी गांव की लगान माफ करवाने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले क्रिकेट मैच का हिस्सा बनता है, जो क्रिकेट मैच में अंग्रेजों के खिलाफ अपने आक्रोश को बाहर निकालता है। जय बजरंगबली, आ, आ, फिरंगी, आ। फिल्म लगान में उनके द्वारा निभाया गया इनके गुरान नाम के गांव वाले का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया था। फिल्म में उनकी भूमिका एक सीधे साधे गांव वाले की थी और फिल्म में मैच के दरमियान इनकी भूमिका एक ऐसे देशभक्त की थी जो अंग्रेजी सरकार से और उनके अत्याचारों से बेहद नफरत करता है। इनकी सादगी भरे इस किरदार के चलते, इनकी कॉमेडी के चलते फिल्म लगान के लिए इन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर के तौर पर नॉमिनेट भी किया गया था। इसी तरह सन 2004 की शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का इनका निवारण दयाल श्रीवास्तव का किरदार भी बहुत खास रहा। इसी तरह सन 2008 की फिल्म जोधा अकबर में इन्होंने चुगतई खान का किरदार निभाया था। राजेश विवेक ने ढेरों फिल्मों में काम किया, हॉरर फिल्में रही हो या कम बजट की बी ग्रेड फिल्में या मल्टी स्टारर फिल्में, इनके फिल्मों की फहरिस्त वाकई बहुत लंबी है। इन्होंने तकरीबन 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी 2016 की एक कन्नड़ भाषा की फिल्म नगरा हवू। राजेश विवेक ने अपनी फिल्मों में जो भी किरदार निभाया, इस किरदार से दर्शकों के दिमाग में अपनी एक अमर छाप छोड़ी। फिल्मों के अलावा राजेश विवेक भारत एक खोज और बी आर चोपड़ा की महाभारत जैसे एपिक टीवी सीरियल में भी नजर आए। इस तरह बहुत से पॉपुलर टीवी एड्स में भी यह नजर आए, जैसे कैडबरी 5-स्टार चॉकलेट की एड में या रमेश और सुरेश के पिता के किरदार निभाते नजर आए। इसी तरह कोको कोला की एड में आमिर खान के साथ नजर आए थे राजेश विवेक। बात अगर करें राजेश विवेक के निजी जीवन की तो इनकी पत्नी का नाम गायत्री विवेक उपाध्याय है। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे रहे, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके बेटों के नाम रहे वैभव उपाध्याय और राज बहादुर उपाध्याय और बेटी का नाम रहा प्रेम कुमारी उपाध्याय। 14 जनवरी सन 2016 वो तारीख बन के आया जब राजेश विवेक को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जिस समय इनकी मौत हुई, इस समय इनकी उम्र 67 साल की थी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी बायोग्राफी वीडियो एक्टर राजेश विवेक की।
यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और राजेश विवेक द्वारा निभाया गया कौन सा किरदार आज भी आपके जहन में ताजा है, इस फिल्म या फिर इस किरदार का नाम हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड के कुछ प्रतिभाशाली एक्टरों की बायोग्राफी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड क्विट को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें। तो फ्रेंड्स, मैं जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।